इंदौर शहर में स्मार्ट सिटी के तहत शीतला माता बसा से जयरामपुर तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य बुधवार से फिर से शुरू किया गया। यहां पर निगम का अमला बड़ी संख्या में अतिक्रमण स्थल पहुंचा और इस दौरान कई रोचक घटनाएं भी सामने आई। आपको बता दें कि बुधवार सुबह से ही इंदौर के जयरामपुर कॉलोनी में नगर निगम सड़क चौड़ीकरण के लिए अपने पूरे दल बल के साथ पहुंचा और यहां पर राजनीति से जुड़े कुछ लोगों ने अपने मकान को नहीं हटाया था और इस ये कारण दिया था कि उन पर अतिक्रमण की कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन निगम दस्ते ने किसी की भी नहीं सुनी और मकानों को हटाने में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती। नगर निगम की माने तो उन्होंने शीतला माता बाजार से जयरामपुरिया के बीच 300 से ज्यादा अतिक्रमण हटाने की बात भी कही है। शहर के मध्य सड़क चौड़ीकरण के लिए हो रहे इस काम में रहवासियों ने भी अपनी सहमति से बाधक निर्माण को पिछले 15 दिनों से हटा रहे थे और शहर में ये पहला मौका था जब इतनी बड़ी संख्या में रहवासियों ने अपनी खुद की मर्जी से अपने मकान को सेंट्रल लाइन तक हटाया। जैसा कि आप जानते हैं, इंदौर शहर विकास का एक अग्रगामी शहर बन गया है। आज ये जो कार्रवाई हो रही है, मास्टर प्लान का ये जो रोड है जयरामपुर चौराहे से पूरा कुंड और नरसिंह बाजार होते हुए जो मार्ग जा रहा है, ये 1.2 किलोमीटर का मार्ग है। इसमें लगभग 300 ऐसे भवन नगर निगम ने चिन्हित किए हैं जिनका कि कुछ कुछ हिस्सा आ रहा है। और प्रसन्नता की बात यह है कि आप ये देख रहे हैं कि नागरिकों ने खुद इसमें सहयोग किया है और कुछरी वगैरह काट ली है कई मकानों में। हमें काफ़ी सहयोग मिल रहा है, कलेक्टर महोदय, SSP महोदय और आयुक्त नगर निगम के निर्देशन में हमारी पूरी टीम संयुक्त तीनों विभाग की टीम यहाँ पे काम कर रही है। देखिए, आज जो कार्रवाई है और इसको जो हिस्सा लिया है, इसमें लगभग 50 के लगभग मकान है। जब ये कार्रवाई की शुरुआत हुई थी, इनको नोटिस दिए गए थे, नोटिस होने के बाद जो प्रत्याहरणी हुई थी, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कई लोगों ने अपनी तरफ से मकान की काट के कुछ लोगों ने गिरा भी दिए हैं। कुछ लोगों ने ऐसा हुआ था कि मकान का उतना हिस्सा बीच में से अलग कर दिया था, अलग करने के बाद उसको हम लोगों ने निकाला है और कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ भी नहीं किया। जब हम लोग आज पहुँचे हैं तो उन्होंने बोला कि साहब, आपका जितना हिस्सा आपको गिरा दीजिए, लेकिन ये कि हमारे सामान अलग कर दीजिए। आज हमने इस कार्रवाई को शुरू किया है। इस कार्रवाई में इस वक्त 6 पॉकेट 4 और नगर निगम के रिमूवल के लगभग 250 कर्मचारी अधिकारी हैं। अभी नगर निगम का विभाग को मिला लगभग कर्मचारी अधिकारी हैं। जिला प्रशासन, पुलिस के लगभग 150 का हमला साथ में है। जब हम लोगों ने कार्रवाई शुरू करी तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो आसपास आप देखेंगे कि वो रोड हैं, कुछ गलियाँ हैं जो आगे के मिल रही हैं, सबसे पहले उनको सील किया गया ताकि अंदर की आवाज जावत बंद हो जाए। दूसरा, जो मकान का हिस्सा हटा रहे हैं उनको तो खाली करा ही, उसके पीछे वाले भी हमने मकान खाली करवाया।